नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे जरूरी विटामिन के बारे में बात करेंगे जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखता है। जैसे हमें एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन सुपर हीरोज की तरह होते हैं जो हमारे शरीर को जर्म से लड़ने और टिप टॉप शेप में रहने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक सुपर हीरो है विटामिन डी, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है तो हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना सकता है। कमाल की बात है ना। इस वीडियो में हम विटामिन डी, इसके बेनिफिट्स और यह सुनिश्चित करने के तरीके के बारे में जानेंगे कि हमें इसकी पर्याप्त मात्रा मिल रही है या नहीं। देखते रहिए। तो विटामिन डी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो यह एक खास न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, लेकिन खुद पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता, इसलिए हमें इसे दूसरी चीजों से लेना पड़ता है। विटामिन डी को एक की तरह समझो जो हमारे शरीर में कई दरवाजे खोलता है। यह हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बस इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारे मसल्स, इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में भी भूमिका निभाता है। चलिए विटामिन डी के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, खासकर हमारे बोन्स के लिए। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बोन्स होना कितना जरूरी है ना? है। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए एक सुपर हीरो की तरह है। विटामिन डी हमारे शरीर को हमारे खाने से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैल्शियम बोन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना हमारा शरीर कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जिससे बोन्स कमजोर हो सकते हैं और बच्चों में रिकेट्स जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। सेक्शन 4, स्पॉटिंग द साइंस विटामिन डी डिफिशिएंसी। कभी कभी हमारे शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है, इसे विटामिन डी डिफिशिएंसी कहा जाता है। इसके संकेतों को जानना जरूरी है ताकि हम कदम उठा सकें। अगर आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, मसल्स में कमजोरी महसूस करते हैं या हड्डियों में दर्द का अनुभव करते हैं, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हों। अन्य लक्षणों में बार बार बीमार पड़ना, बालों का झड़ना और घावों का धीरे धीरे भरना शामिल है। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो अपने विटामिन डी लेवल्स की जांच करवाने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 5, सोकिंग अप द सन एंड अदर सोर्सेस। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना आपके सोच से कहीं ज्यादा आसान है। याद है हम इसे सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है तो हमारा शरीर विटामिन डी बना सकता है। कुछ देर बाहर घूमने से, खासकर सुबह के समय, हमारे शरीर को नेचुरली विटामिन डी बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि धूप में ज्यादा देर न रहें, हमेशा सनस्क्रीन लगाएं और दोपहर के समय ज्यादा देर तक बाहर रहने से बचें। सनलाइट के अलावा हम कुछ खाद्य पदार्थों से भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। फैटी फिश जैसे सैल्मन, ट्यूना और मैकरल इसके बेहतरीन स्रोत हैं। अन्य अच्छे स्रोतों में अंडे, फोर्टिफाइड मिल्क और मशरूम शामिल हैं। सेक्शन 6, अ लिटिल बूस्ट, विटामिन डी सप्लीमेंट्स। हालांकि सनलाइट और फूड विटामिन डी के बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ी अतिरिक्त खुराक की जरूरत हो सकती है। यहाँ विटामिन डी सप्लीमेंट्स काम आते हैं। सप्लीमेंट्स छोटे हेल्पर्स की तरह होते हैं जो हमारे शरीर को अतिरिक्त विटामिन डी प्रदान करते हैं। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है, क्योंकि वे आपके लिए सही खुराक की सलाह दे सकते हैं। याद रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है और यह सुनिश्चित करना कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिले एक स्वस्थ और खुशहाल आपकी ओर एक कदम है।